हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहिन का किचन। आज मैं आपको मछली का सालन बताऊंगी। मेरी बहुत पॉपुलर रेसिपी है इंग्लिश चैनल पे, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है मेरी नानी की और ये सबको बहुत पसंद आती है। तो आज मैं बनाने वाली थी तो मैंने सोचा मैं इस रेसिपी को हिंदी चैनल पे भी शेयर कर लेती हूँ। ये 350 ग्राम्स रोहू फिश है, इसका सालन या इसकी करी बहुत टेस्टी बनती है। इसमें कांटे होते तो ज़रूर हैं लेकिन ये बड़ी टेस्टी बनती है। तो इसको साफ़ करवा लिया है हमने, स्किन ऐसे लगी हुई है। बाकी कोशिश करिए कि आप फ्रेश मछली जब मार्केट से लाएं तभी उसको बनाएं तो उसका टेस्ट है, पर अगर आप मैरिनेट करके रखते हैं बाद में भी बनाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो हमने लिया था ग्रेवी के लिए उसी में से हमने ले लिया है। एक टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस, दो तीन चम्मच नींबू का रस मिला के। अगर आप मैरिनेट करके रख रहे हैं बाद में आपको बनाना है तो आप इसी तरह से करके रख दीजिए तो मछली ख़राब नहीं होगी। उसको खटास दे के भिगाना ज़रूरी होता है, उसके फ्लेवर सारे अंदर चले जाते हैं। और मछली को धोने के लिए थोड़ा सा बेसन लगा के आप अच्छे से नल के नीचे धोएं। मछली नाजुक होती है, इसकी पहचान ये है कि इसका पीस या बोटी बंधी हुई रहती है जब ये फ्रेश रहती है, और अगर ये स्टेल है बासी है तो ये इसका जो फ्लैश है ये टूटने लगता है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश है और इसको मैं रख दे रही हूँ, जब तक मैं दूसरा प्रिपरेशन करूँगी तब तक ये मैरिनेट हो जाएगी। इसमें थोड़ा नमक भी डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए मैंने मछली को मसालों में भिगा के रख दिया था। इतनी फ्रेश की ग्रेवी के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, देसी टमाटर हैं, खट्टे रहते हैं, इनसे ग्रेवी बड़ी टेस्टी बनती है। ये कुछ दाने मेथी के और राई के लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बचा के रखा है हमने ग्रेवी के लिए। 3 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा है। लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 तरह की ली है, एक तेज़ है एक थोड़ा कम तेज़ है, आप अपने हिसाब से मिर्च लीजिए, ये 3 चम्मच के करीब है। हल्दी हमने बचा के रखी थी, नमक अपने अंदाज से डालेंगे, हरा धनिया है और नींबू ग्रेवी बनने के बाद अगर आपको खट्टा पसंद है तो डालिएगा और तेल लगेगा। तो देखिए इसमें मैंने तेल लिया है। आप अगर बनाना चाहते हैं मछली को सरसों के तेल में तो आप ज़रूर बनाएं, पर मेरे यहाँ उसका टेस्ट डेवलप नहीं है तो मैं सरसों के तेल में नहीं बना रही हूँ। अब इन पीसेस को मैं दोनों तरफ से केयरफुली डालिए थोड़ा तेल। आप देख सकते हैं 6-7 मिनट तेज और धीमी आंच एडजस्ट करते हुए हमने इसे इस तरह से फ्राई कर लिया है। ये पीसेस बंधे हुए हैं, तेल जो था वो एक तरफ आ गया है। इस तेल को हम यूज़ करेंगे अपनी ग्रेवी में, वेस्ट नहीं करेंगे और इसमें बड़ा अच्छा एरोमा आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। तो चलिए अब हम ग्रेवी बघा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मछली का तला हुआ तेल और 1.5 चम्मच ये तेल मैंने लिया है। थोड़ा सा ग्रेवी में तेल लगता है भूनने के लिए, आप चाहें तो इसको बाद में अलग कर सकते हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि तेल बहुत है लेकिन इंडियन ग्रेवीज के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम मेथी के दाने, राई के दाने, जीरा भी डाल देते हैं। अब ये ग्रेवी बड़े अलग तरह की है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। अपने पुराने लोग जो बनाते थे वो बहुत जल्दी और बड़ा टेस्टी खाना बनाते थे, तो इसमें एक ख़ास चीज़ है कि प्याज नहीं डलती है पर्टिकुलर इस वाली रेसिपी में। तो ये अदरक लहसुन डाला मैंने, ये पूरे टमाटर डाल दिए, हल्दी भी डाल दी, लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया और धनिया पाउडर भी डाल दिया। नमक अपने हिसाब से जितना खाते हैं, नमक बाद में भी डाला जा सकता है इसलिए थोड़ा कम ही रखें। अब हमको इसे तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल ग्रेवी में एक सा मिल ना जाए और हमको
अच्छी स्मूथ सी ग्रेवी दिखने लग जाए। फिर उसमें हम पानी डालेंगे और जब पानी में हमारी तरी आने लगेगी तब उसमें हम फिश ऐड करके और धीमी आंच पे दो चार मिनट पकाएंगे। तो इसको हमको अभी इसी तरह से खोल के पकाना है, चाहे तो आंच धीमी करके थोड़ी देर ढाँक भी सकते हैं, तो ये अपने ही मॉइस्चर में पकेगा। तो फ्रेंड्स, इसे 12 मिनट मैंने ढक के पकाया है। बीच में एक बार इसे खोल के मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि ये नीचे चिपक रहा था। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रेवी हो गई है, खुशबू मैं महसूस कर सकती हूँ। आप बनाएंगे तो आपके घर में भी ऐसी ही खुशबू आएगी। अब इसमें बहुत आराम से ये फ्राइड पीसेस हम रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिश डेलिकेट होती है तो इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, थोड़ा सा ये मसाले में लिपट जाए। फिर हम साइड से इसमें पानी डालेंगे। कोई भी ग्रेवी आप बना रहे हों तो हमेशा बहुत सारा पानी एक साथ ऊपर से कभी भी ना डालें, तरी खराब हो जाती है। अब इसमें साइड से हम पानी डालेंगे। ये वैसे तो पतली ग्रेवी की बनती है, ये वाली फिश पतला सालन रहता है, लेकिन आपको जितनी कंसिस्टेंसी पसंद हो आप उतनी कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए इसको गरम गरम फुलकों के साथ या ताज़े बने हुए चावलों में थोड़ा सा असली घी डाल के ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने तो ये रेसिपी अपनी नानी से, बहुत छोटी थी तब मैंने सीखी थी, लेकिन जब इसे बड़े होके बनाया और शेयर किया तो ये इतनी कमाल की बनती है और इतनी पसंद आती है इतनी सिंपल होने के बाद, इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। अब देखिए आप, ये इतना पतला है, कंसिस्टेंसी आपके ऊपर है, आप जितना रखना चाहें। बिल्कुल धीमी आंच करके इसको 4-5 मिनट पकाएं। हरा धनिया डालेंगे हम, अगर आप नींबू डालना चाहें थोड़ा सा तो नींबू का रस, और गरम गरम सर्व करें इसे। तो हम 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। अपनी ग्रेवी को फिश के पीसेस डाल के हमने 5-7 मिनट बिल्कुल धीमी आँच पर पकाया है। आप देख सकते हैं तरी बहुत अच्छी ऊपर आ गई है। इसे आप रिमूव करना चाहें, अवॉइड करते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस, अब इसे हम फुलका, तंदूरी रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मछली का सालन या मछली का शोरबा तैयार है, घर जैसा, बहुत टेस्टी। ज़रूर ट्राई करें और मेरे से शेयर करें कि आपने इसे बनाया तो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और अपनी कुकिंग को एंजॉय करिए। हैव अ नाइस टाइम।